छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, महिला की मिली जली हुई लाश, पति ने की आत्महत्या की कोशिश, महीने भर पहले बच्चे की भी हुई थी मौत, पुलिस ने कहा मामला संदिग्ध। बालोद जिले के ग्राम टेकेपार में शनिवार को एक घर से 23 साल की विवाहित महिला की जली हुई लाश मिली है। मृत महिला का नाम गीतेश्वरी साहू है। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। घटना शनिवार दोपहर 3 बजे के करीब की बताई जा रही है। गीतेश्वरी की मौत का पता तब चला जब उसका पति चंद्रकांत साहू घर लौटा। उसने बताया कि वो खाना खाने के लिए घर पहुंचा था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद वो दीवार फांदकर घर के अंदर घुसा तो देखा कि पत्नी जली हुई हालत में मृत पड़ी है। घटना की सूचना पति ने परिजनों और बालोद थाना पुलिस को दी। लोगों ने बताया कि पत्नी की लाश देखकर चंद्रकांत भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला ने खुद आग लगाकर आत्महत्या की है या किसी ने हत्या कर उसे आग लगा दी है, ये कह पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि महिला की जली हुई लाश एक ही जगह है, बाकी घर में कहीं भी भागने या खुद को बचाने का प्रयास नजर नहीं आता है। जबकि देखा ये गया है कि जब भी कोई व्यक्ति आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो आग लगाने के बाद खुद का बचाने की कोशिश जरूर करता है या शोर जरूर मचाता है। पड़ोसियों ने बताया कि महिला के शरीर पर मिट्टी तेल डला हुआ था और लाश 80% तक जल चुकी थी। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों ने न तो धुआं देखा और न तो गीतेश्वरी के चीखने चिल्लाने की आवाज ही सुनी, इसलिए उन्हें घटना संदिग्ध लग रही है। लोगों ने बताया कि घटना से सदमे में आया पति भी फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिसे तोड़कर बचाया गया है। पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों के बयान के आधार पर मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि किसी ने भी न तो महिला की आवाज सुनी और न तो आग लगने के बाद महिला के इधर उधर भागने के निशान ही है। घटना की जानकारी के बाद नायब तहसीलदार चांदनी देवानगन, कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम भी घटनास्थल पर पहुंची।